इफको फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, दो अफसरों की मौत, कई कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। यहां यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी चपेट में आने से दो अफसरों समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। जहां असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर अभयनंद की मौत हो गई। 12 अन्य लोगों को शहर स्थित अस्पतालों में भर्ती कराया गया। शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर जौनपुर गोरखपुर मार्ग पर फूलपुर में स्थित इफको में अमोनिया व यूरिया निर्माण की दो दो इकाइयां हैं। रोज की तरह यह मंगलवार को भी काम चल रहा था। रात 10 बजे से रात्रि कालीन शिफ्ट में तैनात कर्मचारी अलग अलग इकाइयों में काम पर लगे हुए थे। रात्रि 11:30 बजे के करीब यूरिया इकाई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, जहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी निकलकर बाहर की ओर भागने लगे। इस दौरान अन्य तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। उनमें से कई इकाई के भीतर ही बेसुध भी हो गए। सूचना पर कंपनी के अफसरों के साथ ही पुलिस भी आ गई। किसी तरह हताहत लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकालकर शहर के एक अस्पताल ले जाया गया। इनमें से असिस्टेंट मैनेजर यूरिया वीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर ऑफ साइट अभिनंद कुमार पुत्र सूर्य नारायण की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ घंटों बाद दोनों की मौत हो गई, जिससे वहां कोहराम मच गया। उधर कंपनी के कई अफसर रात में ही अस्पताल भी पहुंचे। गैस का रिसाव कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन चर्चा रही कि यूरिया उत्पादन इकाई में किसी पंप में लीकेज की वजह से गैस का रिसाव हुआ। फिलहाल कंपनी के अफसरों का कहना है कि गैस रिसाव की असली वजह का पता जांच के बाद ही पता लग सकेगा। पीआरओ विश्वजीत श्रीवास्तव का कहना है कि हादसे में दो अफसरों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उनमें असिस्टेंट मैनेजर यूरिया व डिप्टी मैनेजर ऑफ साइट शामिल है। हताहत हुए 12 कर्मचारियों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। घटना में हताहत हुए 14 लोगों को अस्पताल भेजा गया। इनमें से दो की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। प्रयागराज से उमेश चंद सोनी की रिपोर्ट, प्राइम आईटी न्यूज। दो लोगों की मौत हुई, क्या कैसे हुआ और कितने लोग घायल हैं? ये 10:15 बजे क्या कहते हैं यूरिया वन में यहाँ पे प्लांजर रहता है, वो रोक टूट गया है, जिससे कि जो यूरिया जितनी भी थी उस एरिया में वहाँ लीक हो गया, तो जिससे जो आसपास लोग जो एम्प्लॉय थे वो प्रभावित हुए, और जिस प्रभावित होने तो अमोनिया उन्होंने क्या कहते हैं इनहेल कर लिया, जिससे उनको दिक्कत हुई। तो यहाँ पे हम लोग फायर एंड सेफ्टी पे क्या कहते हैं वहाँ उनको ले गए। वहाँ पहले उन्होंने जो हम लोग को वाटर ट्रीटमेंट होता है वाटर ट्रीटमेंट किया, और फिर हम लोग क्या कहते हैं टाउनशिप हॉस्पिटल में ले गए उनको। फिर वहां से उनको लगा कि क्या कहते हैं कुछ थोड़ी सी सीरियस वो हैं, तो वो इलाहाबाद उन्होंने रेफर कर दिया, जिसमें से दो सीरियस थे और वो वहां पे क्या कहते हैं हृदय सेंटर हॉस्पिटल है, वहां पे उनको दो लोग मिस्टर वीपी सिंह और मिस्टर अभयनंदन उन लोग दोनों की डेथ हो गई। कितने लोग सर अभी घायल हैं? अभी 6 लोग इलाहाबाद हॉस्पिटल में है, जिसमें 2 लोग प्रीति नर्सिंग होम जॉर्जटाउन में है और 4 लोग जागृति में। सर ये 2 साल में 5वीं घटना हो गई अमोनिया लीकेज की। नहीं देखिए वो घटना तो जरूर आप लोग मतलब बींगे मीडिया आप लोग बता रहे हैं, उस टाइम घटना ऐसी नहीं थी, लेकिन घटना जब पेपर में आ जाता है तो ऐसा लगता है, अदरवाइज कोई उसमें बस नॉर्मल थी वो घटना, क्योंकि अमोनिया प्लांट है उसमें हल्का फुल्का लीकेज होता रहता है, तो ये नॉर्मल थी, लेकिन पेपर में आ गया इसलिए ऐसा लगा। सर आपका नाम? मैं विशेष श्रीवास्तव जनसंपर्क अधिकारी।